जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद बख्तार अहमद है। मैं बेसिकली रेटिना सर्जन हूँ, जो आंख के पीछे पर्दा होता है उसकी बीमारियों का माहर। और पाकिस्तान में शुरू मैंने ये काम किया था 1974 में, अब तो तकरीबन 40 साल हो गए ये काम करते हुए। तो अंदरून सिंध चूँकि इसकी फैसिलिटी कम है पर्दे की बीमारियों की तशखीस और इलाज की, तो हमने नवाब शाह में एक सेंटर खोला, उसका नाम है अरबो आई सेंटर। वो है द रेटना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो जितने भी मरीज़ होते हैं हम उनको बुला के वहाँ पे उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं, इलाज करते हैं। फिर भी जो बहुत बड़े उनके ऑपरेशन हैं उनके लिए हम उनको कराची भी हमारा जो दफ्तर है वहाँ बुलाते हैं। तो इस कैंप में तो ज़्यादातर देखें कैटरेट के ऑपरेशन ही होते हैं, सारे कैंपों में कैटरेट के होते हैं। तो यहाँ पर तो तकरीबन 100-150 के करीब हर रोज़ाना ऑपरेशन होंगे। 2-3 दिन के अंदर 300-400 के कैटरेट के ऑपरेशन हो जाएंगे। मगर पर्दे की जो बीमारियां यहाँ पे इतना वक्त नहीं होता, ना इतनी फैसिलिटी होती कि उनको देख सकें, तशखीस कर सकें, उनका इलाज नहीं होता। और वो उन ज़्यादातर बीमारियां ऐसी हैं अगर उनका इलाज ना किया जाए तो परमानेंट अंधापन कर देती है। तो मेरा ये काम है कि जहाँ जहाँ ये कैंप लगते हैं वहाँ पर हम ये भी देखें कि किन लोगों को काला पानी है, किन लोगों का पर्दा कमज़ोर है। क्योंकि ये दो बीमारियाँ ऐसी हैं जिनको आप जब तक खुद टेस्ट ना करें तो मरीज़ को नहीं पता चलता कि मुझे बीमारी है। तो ये शुरू शुरू में अगर इनका पता चल जाए पॉमेंट्स की रोकथाम करके, बहुत सारे लोगों को परमानेंट अंधापन जो है उससे बचा सकें। ये भी मैं कहता चलूं कि हमारी लहेजा जो है वो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के साथ है, हम मिलके काम करते हैं। जहाँ के भी इनके कैंप होते हैं वहाँ पे जाके मैं ये स्क्रीनिंग करता हूँ, और जिन मरीज़ों को ज़रूरत होती है उनको सैलानी वाले अपनी तरफ से फाइनेंस करके उनका इलाज करवाते हैं। तो हम इनके भी बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि ये हमारे साथ मिलके हमारा जो मिशन है उसमें हमारी मदद करके हमें आगे बढ़ा रहे हैं। सैलानी वालों को भी शुक्रिया।